मुरादाबाद महानगर में कोहिनूर तरह संबल रोड स्थित सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं निर्यात फर्म कोहिनूर क्राफ्ट्स के एमडी हाजी इफ्तिखार अली के कैंप कार्यालय का 25 सितंबर को लगभग 12 बजे दिन समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता, सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सहारनपुर के विधायक संजय गर्ग ने तालियों की जोरदार आवाजों के बीच फीता काटकर कैंप ऑफिस का विधिवत उद्घाटन किया। श्री गर्ग मुरादाबाद में सपा व्यापार सभा के मंडलीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने हेतु पधारे थे। सपा व्यापार सभा के कैंप ऑफिस पहुंचने पर प्रदेश सचिव एवं वरिष्ठ निर्यातक हाजी इफ्तिखार अली के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करके ढोल नगाड़े बजाकर फूलमाला पहनाकर तथा बुके भेंट करके पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों सपा कार्यकर्ता, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सपा नेता एवं सपा समर्थक मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव हाजी इफ्तिखार अली, बेलारी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान, जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद नवेद बाबू, वार्ड 24 के पार्षद मोहम्मद शाकिर, वार्ड 27 के पार्षद नसीम पाशा, वार्ड 11 के पार्षद जहीर अहमद, वार्ड 52 के पार्षद डॉक्टर नासिर हुसैन, हाजी इफ्तिखार अली के PRO अभिषेक वर्मा आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। संक्षिप्त उद्घाटन समारोह में स्वागत भाषण विधायक मोहम्मद फहीम ने दिया, जबकि मुख्य अतिथि संजय गर्ग ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, हमारे प्रदेश में हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी इफ्तिखार अली खान साहब, मेरे विधानसभा में आप सब लोगों की आवाज को मजबूती के साथ उठाने वाले अली जनाब फहीम विधायक साहब, हमारे साथी मनोज पटवाली, अंशुल गुप्ता जी यहाँ मौजूद है, सभी सरपंच, बुजुर्गों, पत्रकार, वोटरों और दोस्तों, समय चूंकि बहुत कम है, हम लंबी बात अपनी राही समाचार व्यापार का मंडलीय सम्मेलन चल रहा है वहाँ पर करने की बात करेंगे। आपने बहुत लंबे समय तक इंतजार की, इस बात के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। चंदौसी में अलग अलग जगह लोगों ने कार्यक्रम किए थे और रास्ते में बिहारी में भी थोड़ी देर रुकना पड़ा, इसलिए आपकी वजह से आपके बीच आने देरी हो गई। उधर बहुत लोग जो महासम्मेलन में पहुंच गए हैं राही में, वहाँ वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि राही बहुत ही शिद्दत के साथ लड़ने की जरूरत है और उनका होश आवाज नहीं खोने। आप तमाम लोग अपने जोश को किस तरह से अपने जज कर उसे अनुशासित रूप में रखने की अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा जो दुश्मन है वो बहुत ही ज्यादा कुटिल है, वो बहुत नए तरह के हथकंडे अपनाकर हमें और आपको किसी भी रूप में अपनी इस ताकत को बनाए रखना चाहता है। इसलिए जरूरी है यहाँ से हम अभी लेकर जाए तो आप तमाम लोग एक लाइन में होकर, एक लाइन में होकर और अगर अपने प्रदर्शन को करेंगे उसका इम्प्रेशन तमाम लोगों के ऊपर दूसरे रूप में पड़ेगा, बजाय इसके कि हम अनुशासित ना होकर एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ कर जाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई भी लड़ाई और सेना तभी जीत सकती है जबकि वो पूरे डिसिप्लिन में अपने काम को करने की बात करें। अंत में प्रदेश सचिव हाजी इफ्तिखार अली ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि गर्ग जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की सारी समस्याओं के लिए सारे बारीकी से अध्ययन कर करके सारी समस्याओं का निराकरण करने का वादा किया है और पूरी पूरी गली गली घूम करके बारीकी से व्यापारियों की समस्याओं और मजदूरों की समस्याओं, किसानों की समस्या को पहचानने का काम किया है। आप यकीन रखें और हम ये सारी बातें हमारे फटिल अजीज डॉक्टर साहब अखिलेश जी के सामने रखेंगे और उन सारी परेशानियों का, उन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे मेहमानों का यहाँ आकर के स्वागत किया है उनका और हमारे फहीम साहब का और हमारे कुरबाल साहब जो अलीगढ़ से आए हैं, हमारे कांतमान उन सबका आपने स्वागत किया, उन सबका मैं आप सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम का संचालन मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव अब्दुल वदूद खान ने किया तथा इस दौरान सपा नेता एवं व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, प्रदेश सचिव राजेश अग्रवाल तथा मोहम्मद हारून पाशा, डॉक्टर कुर्बान अली, फरदीन अंसारी, मोहम्मद अजीम, भानु प्रकाश यादव, मोहम्मद नसीम कादरी, सरताज सैफी, फहीम राजा, आजाद अली मसूदी, मोहम्मद फरमान, देवेश शर्मा एडवोकेट आदि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कैंप ऑफिस के उद्घाटन के बाद ये सब लोग मंडलीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु राही होटल के लिए रवाना हो गए।